कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार खाद्य तेल के मार्केट में देखा जा रहा है, लोकल मिलों में क्या कीमतें चल रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आज आप देख सकते हैं। विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ अब खबरों में अंत तक जरूर बनी रहिए। तो विदेशी बाजारों में गिरावट को देखते हुए घरेलू मार्केट में बाजारों में आज नरमी के साथ ही कारोबार देखा जा रहा है। तो खाद्य तेल के मार्केट में लोकल मिलों में बाजारों में आज गिरावट दर्ज करी गई है। विदेशी बाजारों में आज गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आज घरेलू बाजारों में वनस्पति पामोली इनके साथ साथ सरसों की कीमतों में और सोयाबीन कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई है। सबसे पहले कीमतों के बारे में बात करते हैं, तो मयूर वनस्पति में 1430 रुपए का जो कल बाजारों में रेट देखा जा रहा था, वहां से बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। 1420 रुपए का रेट आज 15 आइटम में आप मयूर वनस्पति में देखकर चल सकते हैं। पामोलिन में 1330 रुपए का रेट 15 आइटम में देखा जा रहा है। 1 लीटर पामोलिन कीमतें 89 रुपए बाजारों में चल रही है। इसके अलावा सोया ऑयल में 15 लीटर का रेट 1460 है। 1 लीटर सोया ऑयल कीमतें 94.50 रुपये चल रही हैं। फॉर्चून में 15 लीटर का रेट 1640 रुपये देखा जा रहा है और 1 लीटर फॉर्चून कीमतें 113 रुपये आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइन में 1 लीटर कीमतें 97 रुपये चल रही हैं। पामोलिन में 1 लीटर का रेट बाजारों में 90 रुपये देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो राइस ब्रांड में भी बाजारों में अब गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। 87 रुपये से सीधे बाजारों में गिरावट आकर 84 रुपये का रेट मार्केट में हो चुका है। सोया ऑयल में बाजारों में 96 रुपये का रेट बाजारों में आप आज देखकर चल सकते हैं और मार्केट में सोया ड्यू का रेट 94 रुपये देखा जा रहा है। मस्टर्ड कीमतें उत्तर प्रदेश में 100 रुपये चल रही हैं। एक्सपोर्ट का रेट 98 रुपये है। पामोलिन में बाजारों में आप 90 रुपये का रेट देखकर चल सकते हैं। विदेशी बाजारों को देखते हुए घरेलू मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। सोयाबीन का वायदे के भाव तेज़ी से साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि सोया में बड़ी गिरावट के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। USDA ने भी सोयाबीन फसल की रेटिंग में उम्मीद से ज्यादा कटौती कर दी है। USDA का ये कहना है कि केवल 54% सोयाबीन की फसल अच्छी है और उत्कृष्ट स्थिति में है, जो कि पिछले पूर्वानुमान से अगर देखा जाए तो 5% तक कम है। और विदेशी बाजारों की इस रिपोर्ट को लेकर घरेलू मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही है और आने वाले समय में एक्सपायरी आने की वजह से भी मार्केट में जिन्होंने बीते दिनों खरीदारी करी थी, अब वो ऊपरी स्तर से अपना प्रॉफिट बुक करके चल रहे हैं और इस वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।